वी विल यूज सम साइन लैंग्वेज, ठीक है, बट आंसर आपने जो है वो साथ साथ करते रहना है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर वन, रीजन असर्शन की ऑप्शंस मैं एक बार दोबारा लिख रही हूं। सो पहले तो अपनी असाइनमेंट पे ही आज की डेट लिखिए। वर्कशीट टू, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो ऑप्शंस रीजन असर्शन की क्या है, एवरीबडी ये नो। उसके बाद अपने फटाफट से, पांच क्वेश्चंस है आई थिंक रीजन असर्शन के, देर आर फोर क्वेश्चंस, करो जरा अपने ये लिखो और फिर मुझे बताना जल्दी से एवरीबडी, डिस्कशन करके नहीं और क्लास में श्योर नहीं होना चाहिए बेटा, अपने अपने, ठीक है? जिसके पास नहीं है शेयर करो असाइनमेंट और अपनी कॉपी में आंसर्स लिखते रहो। इन्हीं क्वेश्चंस में से इस बार वर्कशीट्स में से, आपकी बुक में से जो भी टेस्ट आएगा वर्कशीट्स में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है? तो अगर वर्कशीट सॉल्व नहीं करोगे तो वो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे क्योंकि वो कहीं और तो मिलेंगे नहीं। सो ऑप्शंस इसकी कौन कौन सी है, ए ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड असर्शन एक्सप्लेन्स रीजन, ऑप्शन बी है बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स दोनों ही ठीक है बट मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, आई एम सॉरी, बट रीजन डज नॉट, हाँ मैम अब आ रही है, आवाज आ रही है अब, ठीक है, वेरी गुड, चलिए नाउ इट्स ऑडिबल, थैंक्स शालू। सी ऑप्शन है असर्शन करेक्ट, रीजन की स्टेटमेंट ही फॉल्स है, और डी ऑप्शन है कि असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन की स्टेटमेंट ठीक है, राइट? सो जल्दी से, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, डू द फोर क्वेश्चंस, आई विल नेम द स्टूडेंट्स, दे विल कम एंड टेल मी द आंसर्स। इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूजेस द वॉटर हाउस, वॉटर होजेस, वॉटर होजेस मीन्स जिससे वो आग बुझाते हैं, टू थ्रो वॉटर टू कंट्रोल फायर, दे शट ऑफ द मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एरिया। वॉटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, मेरे पास आ जाइए बेटा, 8th A की मनस्वी। एब्सेंट एब्सेंट है मनस्वी, तो मानवी आ जाइए, मानवी। एब्सेंट मैम आज इतने बच्चे एब्सेंट क्यों है? समर गो फॉर द प्रैक्टिस एंड इन सम विलेज देयर इज अ नगर कीर्तन ऑफ समर फंक्शन दैट्स व्हाई दे आर एब्सेंट। यस ओके मैम, फिर इनको ना ये बता देना कि आज का लेक्चर रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे होगा, के एडुकॉन ई लर्निंग पे, हाँ यस मैम ऑलरेडी बताया हाँ, तो इनको। यस हमने जो है वो रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया ताकि बच्चों को मिल जाएगा। यस, चलिए जी, अब मुझे ये बताइए, यस सेकेंड रो, सेंट्रल लेन सेकेंड बेंच, यस फर्स्ट बॉय राइट साइड टुवर्ड्स राइट साइड, आ जाओ बेटा असाइनमेंट लाओ। तो ये क्या है पहले मुझे बताओ, असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है, रीजन की स्टेटमेंट भी ठीक है, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन की बी ऑप्शन, बी नहीं बेटा ऑप्शन ए, क्यों बंद कर देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैं फर्स्ट की ये है। फर्स्ट की ए है, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बैठो बेटा, बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है, मेन सप्लाई में अगर हम पानी जो है वो
डाल रहे हैं और मेन सप्लाई नहीं बंद की तो तारों में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, एंड एनी बडी कैन बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है किसी को भी जो है करंट लग सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट लिक्विड्स, यस, एट्थ बी, एट्थ बी में से, हाँ जी, एट्थ बी में से कौन से स्टूडेंट्स है? यस यस, द गर्ल विद द पर्पल शर्ट। हाँ आप बताइए। मैम, अजर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है कि कौन से लिक्विड्स, ऐसे बेसिस एंड सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर्स, एंड डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर नहीं है। यस टेल मी, हु विल टेल मी व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज एन इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ करंट। जिससे मैं पूछूंगी, एक स्टूडेंट नहीं जिसके पास माइक है वो नहीं, सम बॉय, यस, यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे बॉय है बेटा, लेफ्ट साइड में जो पर्पल शर्ट पे है बॉय, यस कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज सॉल्ट इज नॉट प्रेजेंट इन इट। सॉल्ट नहीं है, हम सॉल्ट की बात नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे बेटा? यस एनीबडी, जोर से बोलो जहां पर भी बैठे हो, बिकॉज आयन्स आर नॉट प्रेजेंट, है ना, आयन्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सॉल्ट भी लिख सकते हो, गलत वो भी नहीं होगा, बट आयन्स मेनली हम बात करेंगे। वेरी गुड, बैठो बेटा। सो क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर टू, वन की है, वन की है ए, टू की है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बल्ब कैन बी यूज्ड एज ए टेस्टर बट मैग्नेटिक कंपास डज नॉट, एलईडी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बल्ब टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल करंट, यस, हु विल टेल मी? हाँ जी बेटा, फर्स्ट रो, लास्ट में जो बॉयज बैठे, आई होप येलो शर्ट में है कि ब्लू में, येलो में है आई थिंक, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, यस, फटाफट भाग कर आओ बेटा, हमने फटाफट बहुत काम करना है आज। हाँ दो वर्कशीट दो। हाँ पहली स्टेटमेंट गलत है कि आपने नहीं, गर्ल्स आपने बताना नहीं है, ही विल टेल। ट्रू फर्स्ट नजर असर्शन देखो दोबारा से पढ़ो, बल्ब कैन बी यूज्ड एज टेस्टर बट मैग्नेटिक कंपास डू नॉट। टेस्टर क्या है कि सर्किट में करंट जा रहा है कि नहीं, वी हैव टू टेस्ट दैट। बल्ब यूज कर सकते हैं बट मैग्नेटिक कंपास नहीं यूज कर सकते, इज इट ट्रू कि फॉल्स? ट्रू ट्रू है बेटा ये, नहीं ट्रू नहीं है ये, कैसे? इधर देख बेटा, इधर देख, सी बोर्ड की तरफ देख, स्क्रीन की तरफ देख, इधर देख, तो समझ में आएगी आपको, ताकि आपको जो है ना ये लेटर से, ये सेल है, आपने बाकी कुछ नहीं लगाया, और ये वायर है, वायर, सेल ने करंट किया और ये जा रहा है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट जा रहा है या नहीं? या तो हम यहां पे, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, एलईडी या बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमें पता चल रहा है कि यहां से करंट जा रहा है, राइट, दिस सर्किट इज फंक्शनल, करंट इज मूविंग थ्रू सेल, भी ठीक है। अब एक और आ जाइए, ये है, यहां पे बल्ब ही नहीं लगाया, अब हम कैसे पता करें कि इसमें करंट जा रहा है कि नहीं? हमने क्या किया, इसके पास हमने क्या की, एक मैग्नेटिक कंपास रख दी, अगर इसकी जो निडल है वो ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर रही है, इसके पास आते ही वो डिफ्लेक्शन शुरू हो जाए, इट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, और अगर वो डिफ्लेक्ट ना करे, वो वैसे ही पड़ी हुई है, इट मींस करंट इज नॉट फ्लोइंग। नाउ टेल मी, कैन वी यूज दिस मैग्नेटिक कंपास एज ए टेस्टर और नॉट, यस और नो? यस यस, अब बताइए कि ये असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है ना। अब इसका दोबारा रीजन भी देखो जरा, रीजन की स्टेटमेंट देखिए, ट्रू ट्रू, ऑप्शन कौन सी आ जाएगी बेटा, ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। ठीक है बैठो, समझ में आ गई आपको, ऑप्शन डी, थर्ड इज डी, यस। नाउ
द अदर रो, द थर्ड रो, लास्ट स्टूडेंट विद रेड शर्ट कम फॉरवर्ड। आ जाओ बेटा, असाइनमेंट लेकर आओ, असाइनमेंट अपनी लेकर आओ। मैम अजेशन इज ट्रू, हाँ, और रीजन रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। एनी डाउट इन दिस? किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए। क्रोमियम प्लेटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये करोड़ नहीं करती है, एंड इट इज शाइनी, इज अप शाइनी इन अपियरेंस, राइट? सो फोर्थ इज ए। व्हाई करंट डज नॉट फ्लो थ्रू सॉलिड NaCl एंड सॉलिड कॉपर सल्फेट? यस, एनीबडी? सॉलिड सॉल्ट्स में करंट फ्लो नहीं करता है। एनीबडी हु कैन टेल? यस, देयर इज वन हैंड। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, द बॉय, आ जाओ जल्दी से। वेरी गुड। हाँ, सॉलिड NaCl में डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस। यस, वेरी गुड, बेटर बेटा, वेरी गुड, दैट्स ट्रू। बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म, लिखो इसका आंसर, चाहे वर्कशीट में लिखो चाहे कॉपी में लिखो। बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म द सॉल्ट डू नॉट डिसोशिएट इन टू आयंस, और आयंस ही तो करंट कंडक्ट करते। एवरीबडी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट कर लो अच्छी तरह से, अपनी एनसीआर उसके अपने बुक के क्वेश्चन कर लो, यू विल गेट फुल मार्क्स। मार्क्स की तो बात अलग है, बट हमें पता भी तो होना चाहिए। तो सॉलिड सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म द सॉल्ट्स डू नॉट डिसोशिएट। नो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। नो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट्स इंटू आयंस इन सॉलिड फॉर्म, सोल्यूशन फॉर्म में ही वो डिसोशिएट करते हैं। वाई आर मेटल्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टू वर्ड्स कैथोड? वाई आर मेटल्स, यस, मिडल रो थर्ड बेंच, द बॉय विद अ पर्पल शर्ट। वाई द मेटल्स आर अट्रैक्टेड टू वर्ड्स कैथोड? बेटा पहले मुझे ये बता दो, बेटा इधर इधर देखो सामने, कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, यस और नो? ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशंस है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है जो किसके साथ अटैच्ड है? बैटरी के साथ अटैच्ड है। एक कैथोड है, एक एनोड है, ठीक है? और थोड़ा सा याद सबको, ताकि भूलो मत, कैटायंस एंड एनायंस, पता है कि नहीं? यस ठीक है, कैसे? कई बार दिमाग से निकल जाता है, मैंने इस तरह से याद किया है। अगर इस टी को बड़ा कर लो तो ये प्लस का साइन लगता है कि नहीं? यस और नो? यस ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव आयंस, दीज आर नेगेटिव आयंस। अट्रैक्टेड टू वर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही जाएंगे ना, दैट इज कैथोड। कैटायंस कैथोड, कैटायंस पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दैट इज एनोड। अब बात आ जाती है, आपसे पूछा गया है कि जो मेटल्स है, मेटल्स सच एज, मैं सिर्फ अभी नाम लिखूंगी, साइन नहीं लिखूंगी, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, आर अट्रैक्टेड टू वर्ड्स कैथोड, व्हाई?
कैथोड, अब आपको पता चल गया दिस इज कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज है बेटा, बता दे जल्दी से। हाँ बोलो बोलो। नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज है, बिल्कुल ये नेगेटिव चार्ज है। मेटल्स इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मेटल्स आर पॉजिटिवली, या मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। वेरी गुड, लिख ठीक है, बिकॉज लिख लो आंसर, लिखो एवरीबॉडी, बैठो बेटा। बिकॉज मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, डिटेलिंग कर सकते हो, एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Cu2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, लिखते जाना ये एग्जाम्पल जरूर। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच डायरेक्शन आयंस फ्लो इन ए सर्किट, या आयंस की जगह लिखो करंट, यहां पे ठीक करो, करंट फ्लोज इन द सर्किट। इन विच डायरेक्शन करंट फ्लोज इन द सर्किट, इससे पीछे हमने देखा था इस सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू पॉजिटिव। हां जी, नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, लिखो जरा आंसर, द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन ए सर्किट, द करंट फ्लोज फ्रॉम, और आपने दिखाना है तो आपने इस तरह से दिखाना है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन ए सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डज नॉट फ्लो इन ए सर्किट इफ देयर इज ए गैप। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां से वायर टूट गई तो करंट जो है इट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है, नो बल्ब ग्लोइंग, ठीक है, बिकॉज इसके बीच में क्या आ गई है, यहां पे क्या आ गया है, एयर आ गई है। यस, देयर इज ए गैप, एयर आ गई है, राइट, एंड एयर इज बैड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, यू कैन से। यस, आगे का, अगर यहां पे पानी आ जाता तो करंट फ्लो करता कि नहीं। यस, अगर इस गैप में पानी आ जाए तो फिर गैप नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर इज गुड कंडक्टर, वाटर में से करंट फ्लो कर जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज एयर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, हु विल टेल मी, क्या एयर हमेशा ही इंसुलेटर है, क्या उसमें से कभी करंट नहीं पास होता? हाँ जी बेटा, मिडल रो लास्ट बेंच पे जो गर्ल्स या बॉय जो भी है, मैम मिडल रो में से लास्ट में जो बैठे हैं ब्लू शर्ट में, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। यस, नेवर डज करंट नेवर फ्लोज थ्रू एयर, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर तो ठीक है, बट यहां पे क्वेश्चन है कि डज एयर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एयर में से कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती? नो, बेटा आपने कभी सुना है कि लाइटनिंग हुई है और किसी को करंट लग गया है, उसके ऊपर बिजली गिर गई? यस, बिजली क्या, व्हाट इज बिजली, जो बिजली गिरना, बिजली कड़क रही है, दैट इज करंट।
इधर देखो सामने स्क्रीन पे देखो, छोड़ दो उसको। सुना है ना हमने, कितनी जोर से बिजली कड़की। बिजली क्या है? करंट है क्लाउड्स में। आपके ना नेचुरल फिनोमिना खत्म हो गया चैप्टर, नहीं तो उसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते थे। बट एनी हो, कि क्लाउड्स में फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, कि करंट क्या है, चार्ज ही तो है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? सो क्लाउड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ड्यू टू विच देयर अकर्स लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है ना, और हमने कई बार कहा है कि बिजली गिर गई, तो वो एयर में से चार्जेस कैसे फ्लो किए, कब फ्लो किए? जब एयर, जब बारिश हो रही है, ये नहीं कि दिन में चिलचिलाती धूप चल रही है, ड्राई है एकदम, और बिजली गिर गई किसी के ऊपर, नहीं। व्हेन देयर इज रेनी सीजन, देयर अकर्स लाइटनिंग एंड सम पीपल गेट्स इलेक्ट्रोक्यूटेड ड्यू टू दैट लाइटनिंग, किसी घर से नहीं, कहीं और से नहीं। सो एयर बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ करंट व्हेन देयर इज रेनफॉल या मोइस्ट एयर। मोइस्ट मीन्स जब उसके अंदर वाटर वेपर ज्यादा है। इज इट ओके? ठीक है, बैठो बेटा, तो इसका आंसर लिखो, एवरीबडी राइट, कि मोइस्ट एयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मोइस्ट एयर ड्यूरिंग रेनी सीजन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, हम कहते हैं बारिश के टाइम, बरसातों के सीजन में, रेनी सीजन्स में, यू शुड नॉट टच द पोल्स। सीधे पोल्स ड्राई है, गीले नहीं है, तब भी हमें रेनी सीजन में करंट लग सकता है, क्योंकि एयर मोइस्ट है। इज इट ओके? ठीक है, सो एयर कैन बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट बिकम्स मोइस्ट, व्हेन इट हैज मच वाटर वेपर, जब इसमें बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं, तब एयर बिकम्स गुड कंडक्टर। ओके? ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स इज वेरी डेंजरस, ये तो कर लोगे, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ करंट। ठीक है जी, चलिए जल्दी से कीजिए एमसीक्यूज, 5 MCQs कीजिए। कर लिए है ये आपने? अच्छा, कर लो कर लो, जिसने 5 कर लिया वो आगे के कर लो, जल्दी से क्विक ट्राई टू डू। 10 मिनट्स हम देते हैं, 13 MCQs है, जल्दी से कर लो। चलिए जी, अब आ जाइए इधर से, थर्ड रो टुवर्ड्स विंडो, फर्स्ट बेंच पे मिडल बॉय, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से क्विक, इजी से क्वेश्चंस है, मुश्किल है ही नहीं है, फटाफट। सी वाटर में, यहाँ पे अब देखो जरा, अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो आपने देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हमने डाले, किसमें डाले? सी वाटर में, और हमने इसके पास कंपास निडल रखी, तो हमने देखा ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है एज कंपेयर टू, इसको हमने सेल भी अटैच किया है, दिस इज सेल, ठीक है, और सी वाटर में डाला, तो इसके पास हमने कंपास रखी, तो इट इज डिफ्लेक्टिंग मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। वाई? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दिल्ली, यस, दैट इज सी वाटर इज सॉल्टी एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है, वन की ऑप्शन है डी, बैठो बेटा। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इन इलेक्ट्रोलिसिस, यस, मिडल रो या फर्स्ट रो, इधर एक बॉय का हाथ खड़ा है बेटा विद रेड शर्ट, आ जाओ बेटा जल्दी से। वाटर
कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो एनोड जो है, याद रखना है बेटा, एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। इट इज बॉम्बे। 2 की ऑप्शन है बॉम्बे, क्योंकि वाटर जो टूटेगा वो किस में टूटेगा? एच पॉजिटिव प्लस O2 नेग सॉरी आई एम सॉरी O2 नेगेटिव। ठीक है, सो वाटर, ये जो हाइड्रोजन आयन्स है इट मूव्स हियर, और जो ये ऑक्सीजन आयन्स है, इन आयन्स मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, ध्यान से दोबारा से, नेगेटिव चार्ज कब होता है? इधर ध्यान से सुनो, नेगेटिव चार्ज कब है? जब उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और एनोड पे जाके उसने इलेक्ट्रॉन्स दे के, इट बिकम्स O2, और कैथोड पे इट बिकम्स H2। राइट, सो आंसर इज बी, 2 का बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबको पता है, सब बोलो जरा यूनैनिमस, जरा जल्दी से सारे। ऑप्शन बी बॉम्बे, 3rd इज ऑप्शन बी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन 4th। हां जी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है? ये भी सबको पता है वैसे तो, बट फिर भी, यस एनीबडी एल्स, जल्दी से। चलिए, फर्स्ट बेंच पे जो रेड शर्ट में गर्ल है, हाँ बोलो जरा ऑप्शन सी। बेटा। देखो यहाँ पे सी जो है वो नेगेटिव है। हाँ, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4th, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यस मैम, ये जो विंडो के पास जो लास्ट सेकंड बेंच पे है, लास्ट सेकंड बेंच पे ब्लू शर्ट में गर्ल है, आई होप लास्ट सेकंड ही, आ जाओ जल्दी से क्विक। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ यही बताएगी और कोई नहीं बताएगा बेटा, फ्रेंड्स ने हेल्प नहीं करनी। मैम बी ऑप्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, किसी को नहीं से, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ ए इज प्लेटेड विद कॉपर, है ना? तो मुझे बताओ, जो भी जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो किसके साथ ज्वाइंट होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, क्योंकि मेटल्स ने कहां पे मूव करना है? कैथोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ। और यहाँ पे उसने क्या कहा, ए इज प्लेटेड विद कॉपर, द एनोड वुड बी। यहाँ पे अब हम देखें जरा, ये उसने ए कहा है, ये उसने बी कहा है, और ए इज प्लेटेड विथ कॉपर, ये इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, इस पे मेटल्स ने मूव करना है। अगर मेटल्स, मेटल्स किस पे मूव करता है? नेगेटिव पे। सो ए इज कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड बी इज एनोड। थोड़ा सा बस बना के देखना है, कुछ भी नहीं, बिकॉज मेटल्स मूव टूवर्ड्स, अभी हमने कहा मेटल्स मूव टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रो, हमेशा ये याद रखना है, द मेटल्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड आर यूज्ड एज कैथोड। यस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट रो 4th बेंच मिडल, जो सबसे इधर वाला स्टूडेंट है टुवर्ड्स राइट साइड, जो सबसे राइट में स्टूडेंट है वो आ जाओ जल्दी से। ऑप्शन हां जी बेटा, कौन सा, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तीनों ठीक है। सी ऑप्शन है जी, आपने कहा 1 और 3, सोल्यूशन मे गेट हीटेड। नहीं बेटा, हीट नहीं होगा, होगा
बेटा होगा, जब करंट पास कर रहा है तो थोड़ा सा सोल्यूशन हीट करेगा ही करेगा। सो आंसर इज डी डेल्टा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, बट सोल्यूशन क्योंकि करंट पास कर रहा है सोल्यूशन में से, सो इट विल गेट हीटेड स्लाइटली, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा होगा। सो ऑप्शन डी ऑल द थ्री आर करेक्ट। ठीक है बैठो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आई होप शायद मैम ने आपको कराया होगा। व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? क्या है सोडियम क्लोराइड, आपका कॉमन सॉल्ट? ये दो फॉर्म में हो सकता है बेटा। मोल्टन का मतलब है मेल्टेड, गर्मियों में नमक पड़ा हुआ हो ना इधर उधर आपके शेल्फ पे पड़ा हो तो थोड़ी देर बाद वो पिघल जाता है, राइट? मेल्टेड सॉल्ट, वॉटर नहीं है इसमें। और फिर दूसरा है एक्वस। एक्वस मीन्स NaCl प्लस वॉटर। ध्यान से इधर देखना है और अपनी कॉपीज में लिखना है इस पे, क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं है और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लो लिख लो, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना, और 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देखो कि इसका केस स्टडी भी आ सकती है, इसलिए आपको ये करना ही करना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ NaCl है पिघला हुआ, तो यहाँ पे दो आयन्स बन जाएंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, एंड फॉर्म सोडियम मेटल, वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा। और जो क्लोराइड आयन्स है दे गो एट कैथोड, नहीं आई एम सॉरी एट एनोड, एंड फॉर्म Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। तो मोल्टन NaCl फॉर्म्स, लिख लेना है सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। Cl2 गैस मीन्स क्लोरीन गैस, इसके बबल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक्वस में कई ऑयल्स बन रहे हैं, यहां पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये भी बन रहा है, राइट? इन सब में से लिखो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आयन्स आर मोर एक्टिव, ये ज्यादा एक्टिव है, इसके बजाय क्लोरीन एक्टिव है, इसके बजाय हाइड्रोजन आयन एक्टिव है, देयरफोर ये फटाफट कब्जा करते हैं, देयरफोर क्लोरीन आयन्स कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, एंड फॉर्म्स क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन आयन्स कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे टू फॉर्म H2 गैस। और इसी में ही मैं आगे क्या लिखना है, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, क्या रह गया है अब, इन सॉल्यूशन Na पॉजिटिव कंबाइन्स विद OH नेगेटिव टू फॉर्म NaOH, ये आपने क्लास 7th में इसका नाम पढ़ा हुआ है, एसिड बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड।
किसी को मैम ये देखो, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मुझसे दोबारा पूछो। प्रॉपरली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है या 4 मार्क्स में? मोल्टन में वाटर का कोई रोल ही नहीं है, वाटर है ही नहीं, इसलिए सोडियम एंड क्लोरीन बनेगा, जबकि यहां पे कंपटीशन हो गया आयंस का। यहाँ पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बहुत एक्टिव है, वो फटाफट से जाके इलेक्ट्रोड्स पे अपना कब्जा मारते हैं, फॉर्म्स क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में बेचारे सोचते रह गए सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, वो सोचते रह गए हम कहाँ जाएं, तो कहते चलो अब हम कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब लिख लिया ये सबने, एवरीबडी डन। चलिए अब देखो इसका क्रक्स क्या लिखना है लास्ट में। सो मोल्टन NaCl फॉर्म्स सोडियम मेटल, Na पूरा लिख लेना आप ब्रैकेट में सोडियम, शायद क्योंकि मुझे तो साइंस याद है, आपको कई बार सिंबल्स नहीं याद होंगे, एंड क्लोरीन गैस, ये कैथोड पे और ये एनोड पे, एंड एक्वस NaCl फॉर्म्स। क्लोरीन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एज कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, है ना, आप आंसर लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड सोडियम एट एनोड, ऑप्शन बी, बी बॉम्बे। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु विल टेल मी क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए मिडल रो में से, लास्ट सेकंड में से, आई थिंक व्हाइट शर्ट में ही एक बच्चा है, आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे सिर्फ ये बताओ कि पी जो है ना, बल्ब लाइट अप कर गया, एल्युमिनियम बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, इज इट पी इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों भी बता दो, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट है, और बाकी के दोनों आर क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एंड एस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, अब वहां पे ये कह रहे हैं कि इन सब्सटेंस क्यूब बल्ब लाइट्स अप, बट नो सब्सटेंस इज फाउंड आइदर एट कैथोड और एट एनोड बिकॉज, Q is an element which remain unchanged. व्हेन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, फोर Yes. सब्सटेंसेस पी क्यू आर एस वर टेस्टेड फॉर द बाय द प्रैक्टिस। बिल्कुल ठीक है कि क्यू इज एन एलिमेंट विच रिमेन अनचेंज्ड, क्यू दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी When it is in molten state, Q is a poor. Yes, it is option B. बिल्कुल ठीक है बेटा। बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बॉम्बे। मैच द कॉलम जल्दी से, हु इज गोइंग टू टेल मी? यस, लास्ट टुवर्ड्स विंडो, सेकेंड बेंच पे, सेकेंड बेंच पे जो बॉय है, यस टुवर्ड्स विंडो, आजा जल्दी से। हाँ।
सीएफएल है, सीएफएल की आप ट्यूब्स यूज करते हो, फ्लोरेसेंट लाइट है, ठीक है, एलईडीज आपको पता है, क्लोज्ड पाथ मिल्क, जल्दी से आ जाओ, हाँ बोलो, मैं ए थर्ड, ए का है थर्ड, अच्छा जी, हाँ, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, मैं सी का फोर्थ सी का फोर्थ, एंड डी का सेकंड। डी का टू, बैड कंडक्टर, बिल्कुल ठीक है। सो ए थ्री, ऑप्शन बी बॉम्बे, वेरी गुड, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, जल्दी से नेक्स्ट। हाँ जी, मिडल रो, थर्ड बेंच पे, द गर्ल सिटिंग इन ऑन द थर्ड बेंच, यस कम फॉरवर्ड। ऑप्शन ऑप्शन बी बी बॉम्बे की सी, एंड डी आपने कहा टैप वाटर, बैड कंडक्टर, मैकेनिक, नो बी आपने कहा है मैकेनिकल इफेक्ट, सोलर सेल्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, इट इज बी बॉम्बे। निक्रोम इज एन अलॉय मेड अप ऑफ, हां जी बोलो, सारे बोलो, निकल एंड क्रोमियम, ए टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम करोजन एंड रस्ट, इट इज कोटेड विद, कैसे तो टिन से भी करते हैं, बट जिंक, यहां पे कर लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन गैल्वनाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो, कोटेड विद डैश ड्यूरिंग गैल्वनाइजेशन, सो आंसर इज जिंक, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आयरन इज कोटेड, जो आपके खाने वाले टिफिन्स है ना, वहां पे आयरन इज कोटेड, कुछ तो स्टील किया, स्टील इज एन अलॉय, बट आयरन इज कोटेड विद टिन ऑल्सो, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स गिव द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग एलईडी इन द सर्किट टू लाइट अप, हां जी बताइए जल्दी से, विच वन इज करेक्ट, इट इज सी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ना, इतनी देर आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, लिख लो क्वेश्चंस, लिख लो, ये करके आना, इफ द इलेक्ट्रोड्स आर पुट ऑन द कट पोटैटो, विल द कलर ऑफ द पोटैटो चेंज, मैम प्लीज स्पीक अगेन। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर पुट इन साइड कट पोटैटो एंड इज कनेक्टेड विद द बैटरी, कट पोटैटो मीन्स आलू के बीच में डाल दें, एंड ज्वाइंट विद द एंड इज कनेक्टेड विद द बैटरी, विल देयर बी एनी चेंज इन पोटैटो, विल देयर बी एनी चेंज इन पोटैटो, आयरन ब्रिजेस आर गैल्वनाइज्ड, वाई आयरन ब्रिजेस आर गैल्वनाइज्ड, वाई, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द दैट इफेक्ट द केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी, ये करके आने हैं। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ बेटा, टेल मी वन थिंग, कि विच अदर चैप्टर हैव यू स्टार्टेड इन योर स्कूल, लाइट शुरू कर दिया, कहां तक किया बेटा आपने, रिफ्लेक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर जो लाइट का है मल्टीपल इमेजेस वाला वो खत्म कर लिया, ऑफ आपने अभी वो नहीं, वही चैप्टर शुरू किया है ना, उसमें रिफ्लेक्शन का आप कर रहे हैं, लाइट, ओके रिफ्लेक्शन नो ऑफ लाइट शुरू किया है ना, नो यस डन, पहले नहीं, एक है, देखो मुझे दोबारा से बताओ, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन,
कौन सा किया आपने, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। बट रिफ्लेक्शन में तो फिर मल्टीपल इमेजेस वाला आ जाता है, पेरिस्कोप है, कैडेलोस्कोप है, वो किया क्या नहीं? अभी हाफ किया है रिफ्लेक्शन। अभी शुरू किया है आपने। यस ओके ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और ये हम मे वी टेक दिस टेस्ट ऑन सैटरडे, इस यस चैप्टर का टेस्ट हम ले लें सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे हम टेस्ट ले लेंगे, है यस ना? हम फ्राइडे और सैटरडे हम टेस्ट ले लेंगे इसका, आपको आता है सबको? ठीक है जी, चलिए, वेट फॉर 2 मिनट्स, मैम इज जस्ट कमिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे हैव यू टेकन आउट योर मॉड्यूल, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला निकाल लिया सबने? इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने आई थिंक इसके 5 तक किए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए थे। ओके क्वेश्चन नंबर 6। बेटा यू आर सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट इज ओके बट डोंट लुक इन ईच अदर्स नोटबुक। अपनी अपनी नोटबुक में सब देखोगे और अपना अपना मॉड्यूल सामने रखो। वेरी गुड। बिलीव इन योर सेल्फ, सब अपना अपना माइंड यूज करो। हमने क्या क्या पढ़ा था एक्सपोनेंशियल के बारे में एंड क्या क्या प्रॉपर्टी हमने यूज की थी। मैं जल्दी से साइट पे सारी प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ सो दैट आपको फटाफट से रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या किया था, कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती हैं। ओके सी व्हेन यू डू ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू पावर्स आर एडेड, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर आपकी एड हो जाती है। जल्दी से मैं रिकॉल कर रही हूँ, आप भी एवरीबडी लुक हियर, जल्दी से आप भी रफ पे लिख लो इसको। देयर आर 5-6 प्रॉपर्टीज जो आप यूज करते हो एवरी क्वेश्चन में, प्लीज राइट डाउन। मेरा फोन नहीं है ना? ओके जल्दी से, आई एम ऑल्सो राइटिंग ओवर हियर, यू ऑल्सो राइट ऑल द प्रॉपर्टीज जो जो यूज होती है हमारी एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में, जो जो हमारे रूल्स यूज होते हैं। ओके देन आपको पता है कि ए इंटू बी रेज टू पावर एम होता है, तो हम करते हैं ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम। सिमिलरली ए बाय बी रेज टू पावर एम होता है, तो हम करते हैं ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम। जल्दी से आपकी लिस्ट सामने बन जानी चाहिए, ऑल दो आपको पता है फिर भी, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट करते हो तो आपको भूल भी जाता है, माइंड से निकल जाता है कई बार। बी सेक्शन पेन नहीं चल रहा आपका, आई कैन सी यू। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाय ए रेज टू पावर 1। जब भी हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होता है हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है 8th क्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी बार बार यूज होगी एवरी क्वेश्चन में। बाकी प्रॉपर्टीज तो आपने 7th में भी की थी, यूज भी की थी राइट। 8th में ज्यादा आपकी नेगेटिव पावर यूज होती है, सो बी वेरी केयरफुल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपके पास किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर होती है उसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। सबको पता है ये रूल? यस वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई विल बी डूइंग इट, मैं आपकी हेल्प से करूंगी, इसलिए अपना पेन चलाना शुरू कर दो। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, आपको ऑलरेडी आते हैं ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूल आपको पता है ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय 9/4 रेज टू पावर 3। दिस इज डिविजन साइन, और आपको पता होना चाहिए जब भी डिविजन साइन आता है उसको सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं। बी सेक्शन बच्चे, फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, स्टॉप टॉकिंग ईच अदर। ओके सिट डाउन, आई एम वेटिंग फॉर यू। जो बच्चे अभी आए हैं दे कैन
Is it? ओके वेरी गुड. मॉड्यूल खोल लो बेटा. बच्चे जो बेंच के ऊपर बैठे हैं दे शुड नॉट टॉक टू ईच अदर. टेक एन अपॉर्चुनिटी कि आप बेंच पे बैठे हो और बड़े आराम से बैठे हो तो इसलिए आपस में बातें नहीं करनी है आपको. आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ऊपर बैठने के लिए तो अपॉर्चुनिटी ये भी लो कि यहां से कुछ सीखो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर. नाउ सबसे पहले जब भी हमने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन शुरू करना होता है सबसे पहले ये जो डिवीजन साइन होता है ना उसको हमने खत्म करना है. डिवीजन को हम किस में कन्वर्ट करें, क्या करें डिवीजन? मल्टीप्लाई. वेरी गुड. तो हम इसको करेंगे -3/8 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ साथ इसका रेसिप्रोकल भी हो जाना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. किसी को नहीं समझ आया तो उठ के पूछ लो. जैसे ही डिवीजन होता है हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है राइट साइड वाला उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. हमने नंबर को रेसिप्रोकल किया है तो इसलिए पावर तो सेम ही रहेगी. प्लीज रिमेम्बर अभी तक पावर को कुछ नहीं किया हमने. ओके बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, अब आप 8th क्लास में हो, ये चैप्टर थोड़ा सा ना ट्रिकी है. प्लीज रिमेम्बर आप जो भी स्टेप में थोड़े से बड़े नंबर देखते हो उनको ब्रेक करो. जैसे 8 है, 8 थोड़ा सा बड़ा नंबर है. 8 को हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैन वी राइट इट एज 8 इज इक्वल टू समथिंग पावर इन पावर फॉर्म, और 9 को किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं. यस यू नो इट. 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, एवरीबडी नोज. एंड 9 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2. 3 3 इज अ 9, 2 टू जा 4, 2 जा 8. यू नो इट. एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस में आपको रूल्स ये फॉलो करने हैं कि डिवीजन को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया. दूसरी चीज, जो जो हमें बड़े नंबर दिख रहे हैं उनको हमने छोटे नंबर में कन्वर्ट करके उसको पावर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर जो है हमारा पावर के आसपास घूमता है. ओके तो इसलिए सबसे पहले सारे नंबर्स को हम पावर फॉर्म में लिखेंगे. इट इज -3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3 इनटू, चलो इससे मैं इजी पहले स्टेप करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. थोड़ा सा इजी वाला स्टेप कर रही हूँ यहाँ पे. इट इज 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3. ठीक है, अभी हमने सिर्फ 2 की पावर जो है वो 3 बनाई है इस स्टेप में. और इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 2 रेज टू पावर 2. 4 को भी हमने चेंज कर दिया, 9 को भी चेंज कर दिया 3 रेज टू पावर 2. ये स्टेप समझ आ गया सबको? कि जो जो नंबर हमें दिख रहे थे कि हम उनको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हमने लिख लिया. 4 को लिखा 2 स्क्वायर की फॉर्म में, 8 को लिखा 2 क्यूब की फॉर्म में, 9 को लिखा 3 स्क्वायर की फॉर्म. इट इज फाइन बेटा? यस ऑल दैट. अभी हम इनको सेपरेट करेंगे. -3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर, क्या आनी चाहिए 2 की पावर? Who is saying 9? Raise your hand. जिन जिन को पता है कि 9 आने चाहिए. Yes, okay. थोड़े से हाथ खड़े हैं, घबराना नहीं है. Just see over here, बेटा. आपको पता होना चाहिए दिस इज 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3. ये जो ऊपर हमारे पास 3 पावर थी इनको हमने दोनों के साथ लगा दिया अप एंड डाउन. यहां पे भी हमने सेम किया, ऊपर की पावर 2 3 6 और नीचे पावर आपके पास आ गई 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी कि कैसे आएगी. पावर को हमने अलग अलग कर दिया ऊपर और नीचे, राइट? तो अभी इसको हम लिखेंगे -3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 9 इंटू 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 3 रेज टू पावर 6.
सब नंबर की अलग अलग पावर बन गई, ठीक है? उनको अभी कंबाइन करो। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, आपको पता है, जैसे फर्स्ट वाला है। ओके, और अगर डिवीजन होती है तो हम पावर्स को माइनस करते हैं, तो इसको स्टेप को करो। अब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें ये आएगी कि ये जो नेगेटिव साइन है वो आपको ट्रबल करेगा, कि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है। क्या करोगे दोनों को? क्या इनको सेम कर सकते हो? ऊपर -3 है और नीचे 3 है, क्या करोगे? क्या कर सकते हो? दोनों को कंबाइन कर सकते हो? ओके, नाउ लिसन टू मी, यू कैन डू इट। माइनस को तो सेपरेट ही कर दो, -3 को सेपरेट कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 3 रेज टू पावर 3 माइनस 6, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर 6 माइनस 9। दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? जो आपके पास अप एंड डाउन थे उनकी हमने पावर को माइनस कर दिया, ठीक है? 6 ऊपर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे 9 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो इसकी क्या बन रही है, आंसर क्या बनेगा? माइनस माइनस तो आना ही आना है, -1 रेज टू पावर 3 था, 3 रेज टू पावर -3 इंटू 2 रेज टू पावर -3। ध्यान से सारे स्टेप्स देखो और मेरे को आंसर बताओ इसका क्या आना चाहिए। प्लीज सॉल्व इट, ये लास्ट स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, नोट भी कर लो सारा और अंडरस्टैंड भी करो। किसी को कोई डाउट है तो खड़े होके पूछो। नेक्स्ट स्टेप करो जरा। ओके आई एम डूइंग इट ओवर हियर। -1/3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, सॉल्व करो इसको, क्योंकि क्वेश्चन आपका था सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आपने क्वेश्चन को पावर के फॉर्म में नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू कॉल द नेम्स। एकम जीत, ए सेक्शन एकम आ गया बेटे। कई बच्चे पेन नहीं चला रहे थे, आई एम वेटिंग फॉर माई आंसर। एकम हैव यू डन इट बेटा? सॉल्व किया आपने? कर रहे हैं कर रही हो? ओके okay. चलो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, गो एंड सिट। थर्ड बेंच, यस, सेकंड बेंच इन द मिडल रो, पीछे हाथ खड़ा है, यस, एक बॉय का। एकम थोड़ा सा फास्ट करो चल के बेटा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 2 1 6 -1/2 1 6, एवरीबडी विल फाइंड आउट दिस इज करेक्ट आंसर। यस, काफी बच्चों ने निकाल लिया। बेटा इसमें आपने सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जब भी हमें क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड लिखा हो तो हमने उसको एंड तक चलाते जाना है क्वेश्चन को, लास्ट में जो आपके पास पावर बच जाती है उसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लेना है। दूसरी चीज का क्या ध्यान देना है कि जब भी आपके पास पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास जब नेगेटिव पावर आए तो उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन ये चैप्टर तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेगेटिव पावर को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, फिर उसको सॉल्व करो। आपका एम यही होना चाहिए कि कहाँ आपको दिखा वो मल्टीप्लाई करके वो करके और उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, फिर आपने मल्टीप्लाई कर लिया। किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में? नो वेरी गुड।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट डूइंग, शुरू करो करना। क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 raised to power 2 मॉड्यूल से नोट डाउन करो क्वेश्चन। धीरे धीरे करना ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पावर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। हर एक स्टेप पे आपने एक नया रूल लगाना है, उसके लिए आपको थोड़ा स्लोली करना पड़ेगा। इंटू 1/3 raised to power -4, इंटू 3 raised to power -1, इंटू 1/3। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। रूल अपना लगाना शुरू कर दो, जहां जहां आपको लगता है कि रूल लग सकता है वहां से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ। जहां जहां आपको नेगेटिव दिख रहा है उसको पॉजिटिव बनाओ। इट विल बी 2/3 raised to power 6, रूल लगा दिया इसमें हमने। देन इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, और बाकी हमने ऐसे का ऐसे लिख लिया। रूल फॉलो किया हमने। काफी बच्चों ने कर भी लिया है, आई नो दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपके दो दो तीन तीन नंबर के ही क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, आपने इसमें रूल क्या फॉलो किया है? हरजोत चौहान ए सेक्शन, हरजोत ओके, हरजोत प्लीज, आपने मेरे को पहले से बताया था, इट इज ओके, बैठो 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 बैठो, इट्स ओके, आई कॉल सम अदर चाइल्ड। बी सेक्शन अमृतपाल सिंह, एकम एकम यू आल्सो गेट रेडी बेटा, एकम मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, आना चाहते हो तो आके बता दो, इट्स ओके। हाँ जी, अभी कौन आया है? अमृतपाल सिंह। यस हाँ जी बेटा, बताओगी क्या किया? एक मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी बेटा। ठीक मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 में 6 6 टाइम्स। आपने इसको टू सारे को मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, उसके बाद क्या किया? मैं 3/6 है थ्री पावर सिक्स है, यस, फिर 3/4। 3/4 है ना, यस मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, प्लीज सिट डाउन, बैठो पहले और ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती की है आपने यहाँ पे, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट, बैठो आप, बैठ के देखो। जैसे मेरे को अमृतपाल ने बताया, क्या सबने ऐसे किए? सिंप्लीफाई का मतलब उसको पूरा खोल दो, सारा के सारा एक्सपेंड करते जाओ। जैसे मेरे को उसने बताया, ही मीन टू से कि 2 × 2 × 2 × 2 उसने 6 टाइम किया, यहाँ पे 3 × 3 × 3 6 टाइम कर लिया, यहाँ पे फिर से 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स कर लिया, एंड सो ऑन। क्या सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं? अगर मैं इसकी पावर 10 लिख दूं, क्या आप इसको 10 बार लिखोगे यहां पे? अगर मैं यहां पे 10 लिख दूं, 16 लिख दूं, 16 आ जाए मान लो यहां पे, तो इसको 16 बार यहां पे भरोगे, यहां पे 2 को, 2 को 16 टाइम्स लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे? नो नो, दैट इज सिली थिंग टू डू, सिली थिंग। ओके, 8th क्लास में, 7th में आपने एक्सप्लेनेशन का चैप्टर पढ़ा, 8th में दोबारा से पढ़ रहे हो, कुछ नई चीज सीखो, पुराना वाला मेथड अपने छोड़ दो, 7th में शायद आपने ऐसे किया होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ, ये चैप्टर करने का फायदा ही नहीं है अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हो तो, नो यूज। लिसन इट नाउ हाउ टू डू, फिर तो शायद मेरे को करवाने का फायदा ही नहीं है, इफ यू आर फॉलोइंग दैट मेथड ओनली। लर्न समथिंग न्यू, इट मीन्स आप लॉ जो है, एक्सप्लेनेशन लॉ जो आपको लिखवाए गए हैं 4-5, आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हो।
डू इट इन दिस वे, लिसन एयर, सब लोग सामने देखो उसके बाद इसको लिखना समझ के। कौन सी नई चीज आपने सीखी है इसमें, इस चैप्टर में, कि 2 रेस्ट टू पावर 6 है, यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 6 है, इंटू 3 रेस्ट टू पावर 4 है, इंटू 1/3 रेस्ट टू पावर 2 है। हमने क्वेश्चन को जो बहुत बड़ा एक्सपेंड किया हुआ है उसको हमने कंपाइल करना है, धीरे 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 उसको छोटा बनाना। कैसे बनाना है? एक्सपोनेंशियल लॉज लगा के, जो आपको बताए गए थे 7th में और अभी भी अप्लाई हो रहे हैं 8th में। इनकी पावर्स को 2 रेज़ टू पावर 6 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कहीं आपको क्वेश्चन में और कहीं 2 दिख नहीं रहा, इसलिए वो अकेला ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 ऊपर है, ये 6 वाला जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी आई विल डू 6 माइनस 6, ये जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी आई विल डू -2। ये कौन सा रूल लगाया है मैंने यहाँ पे, हु विल टेल मी, कौन सा लॉ आपका लगा है, रूल कौन सा लगा है यहाँ पे? एकम प्लीज काम, लॉ बताओ मेरे को, कौन सा लॉ लगाया है यहाँ पे मैंने स्टेप में? चार पांच लॉ लिखवाए थे आपको, पहले भी लिखवाए थे, आज दोबारा लिखवाए थे मैंने। प्लीज टेल मी यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी मैंने लगाई है एक्सपोनेंशियल की? मैम पावर ऑफ पावर रूल पावर ऑफ पावर नहीं लगाई, नहीं वो नहीं लगाई मैंने, कोई और देखो नोटबुक में, देखो आपने लॉज लिखे होंगे, लास्ट टाइम भी लिखवाए थे मैंने। मैम प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल नो चलो जाकर बैठो, गो एंड सिट फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं, एनी वन ऑफ देम, पावर ऑफ क्वेश्चन टेल मी व्हाट इज दैट, विच प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एक्सपोनेंशियल लॉस कौन सा लगाया? मैंने यहाँ पे 3 नीचे था तो मैंने ऊपर जाके इसकी पावर को माइनस कर दिया, कौन सा रूल लगाया है इसमें मैंने? ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ऐसे किया मैंने, ये रूल लगाया, ये रूल देखा हुआ है आपने कभी? क्या मैं ये वाला लगा रही हूं इस क्वेश्चन में कि जब मैंने देखा कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, मैंने उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई। आई एम अप्लाइंग दिस रूल, सबको पता चल गया? ऑलराइट तो हमने इसको क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर, ये कितना आया, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 6 माइनस 2 -4, ठीक है? तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 रेज़ टू पावर 6 नीचे आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो और 3 को नीचे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और आपको फ्रैक्शन में आंसर आएगा ये। नाउ फाइंड आउट 4/81 64/80, दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो एवरीबॉडी रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड कि हमने क्या रूल अप्लाई किया और क्या स्टोरी वी हैव अप्लाइड हियर, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया है, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। अब आप किसी क्वेश्चन में वो नहीं करोगे कि हाँ 2 को मल्टीप्लाई करते गए पूरी नोटबुक भर दी आपने, अगर आपको 2 रेज़ टू पावर 10 कहीं पे आ गया तो फिर तो आप इसी को ही करते डाल जाओगे, सिर्फ यही लिखते जाओगे उसको 10 टाइम्स करते जाओगे कॉपी, उसी में पेज आपका भर जाएगा। आपको एक्सपोनेंशियल का चैप्टर इसीलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपके पावर्स को यूज करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन में आप अपनी रूल अप्लाई करोगे और फिर करोगे, ओके बेटे? आपको अब समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 8, अमृतपाल इसको ठीक करना बेटे, अमृतपाल आ गया, आओ यस बेटा, एंड अमृतपाल इज इट ओके, हैव यू अंडरस्टूड बेटा,
हैव यू अंडरस्टूड कि हमने रूल अप्लाई करना है पावर्स को, ये नहीं कि पूरा एक्सपैंड करके कॉपी भर दी. इज इट फाइन? यस वेरी गुड, वेरी गुड. सिट डाउन. एट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. इसमें आपको दिया हुआ है 2/3 रेज टू पावर -5 इंटू 2/3 रेज टू पावर -11 इज इक्वल टू 2/3 रेज टू पावर 8x. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 8th क्लास के अकॉर्डिंगली ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए. आपको दिख रहा होगा कि सबका बेस सेम है, 2/3 2/3 2/3. ठीक है, हमने रूल अप्लाई करना है. इसमें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. इसका मतलब 2/3 रेज टू पावर -5 प्लस -11. हमने रूल इसमें लगाया है कि ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन. आपको रूल पता होना चाहिए कि क्यों हमने पावर्स को प्लस किया है. बेस सेम था, हमने पावर्स को ऐड कर लिया. ठीक है, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है, फाइंड आउट करो इसको कितना आ रहा है. 2/3 रेज टू पावर -16. अब आपको ये इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 रेज टू पावर 8x. दोनों के बेस सेम है, इसका मतलब उनकी पावर्स भी सेम होंगी. 8x, यहाँ पे रीजन लिखो, बेस इज सेम, बेस इज सेम, देयरफॉर पावर्स आर इक्वल. ये रूल है कि अगर आपको आमने सामने बेस सेम दिखे तो उनकी पावर्स को आप इक्वल कर सकते हो. ठीक है बेटा, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो. काफी बच्चों ने कर लिया होगा अभी तक. यस, बी सेक्शन, प्रिंस बेटे आगे आओ. एक्स की वैल्यू बताओ मेरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 मार्क्स का आ सकता है ये. बेटे निकाला है आपने कितना MES आ रहा है एक्स इज इक्वल टू -2. -2. वेरी गुड आंसर. ये सिंपलीफाई वाले क्वेश्चंस हैं, पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा. और अगर 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 और 3 स्टेप्स तो आपके आएंगे सॉल्यूशन में. ठीक है बेटा, ये रूल लिख के रखो क्योंकि ये चीजें ना आपकी बहुत कम यूज होती हैं और भूल जाती हैं. लिख के रखो कि आमने सामने अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी आपस में सेम होंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. किसी को कोई डाउट हो रहे हैं खड़े होकर अभी अभी पूछ लो, डोंट टेक योर डाउट्स एट होम. 9th क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 243. बहुत बड़ा नंबर है, रेज टू पावर n/5. ध्यान से क्वेश्चन को कॉपी डाउन करना. इंटू 3 रेज टू पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n-1. मैंने देखा है कि बच्चे ना सॉल्व करना तो शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन को बार बार अपनी पेपर में ही देखते रहते हैं. दैट इज रॉन्ग. पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि हमें अपनी राइटिंग में, हमने उसको थोड़ा बड़े लेटर्स में नीट एंड क्लीन लिख लिया, अभी हम उसको देख के आगे चलेंगे. अपना रूल फॉलो करो. मैंने आपको बताया था जो भी आपको बड़े नंबर दिख रहे हैं उनको पावर फॉर्म में छोटा करके लिखो. यहां पे आपको बड़े नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 243 एंड 9. 3 को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी. ठीक है बेटा, 243 और 9 को हमने पावर फॉर्म में लेके आना है. तो 243 इज अ बिगर नंबर, बट आपको पता है एलसीएम से आपको पता चल जाएगा. 243 का एलसीएम लो, इसके फैक्टर्स बनाओ. फटाफट से स्टार्ट करो, टेल मी किसकी पावर आ रही है ये. वेरी गुड, एलसीएम लेना सबको आता है, 6th में आपने सीखा था. आई कैन सी वन हैंड एट द बैक. यस,
कई बच्चे मेरे आंसर की वेट कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग देयर पेन। 243 के फैक्टर्स बनाओ और बताइए। नंबर वेरी गुड वेरी गुड। इज इट कमिंग 5, 3 रेज टू पावर 5? वेरी यस गुड वेरी गुड। 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर n/5। n/5 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो गिवन था। यस, ये आपके पास आ गया। एंड नीचे आपको पता है 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n। हमने 9 को भी पावर में कन्वर्ट कर लिया और 243 को पावर में कन्वर्ट कर लिया। अभी ये हमारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन चुका है पावर की फॉर्म में। हमने अब इसको रूल अप्लाई करने हैं और बहुत ही अच्छी इसमें चीज है कि सारे बेस सेम है आपस में। जिस नंबर को आप देखो वो 3 है ना, कुछ और नंबर दिख ही नहीं रहा। यहां भी 3, वहां भी 3, ये नीचे भी दोनों 3 है। तो सबको रूल लगा के इकट्ठा करो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यू नो दिस कैन बी कैंसल्ड, पता है आपको? यस, यू नो 5 into n/5 करोगे तो 5 5 आपस में कैंसल हो जाएंगे। एकम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई विल कॉल यू। आपने बताया था कि प्रोडक्ट करते हैं पावर्स को, तो प्रोडक्ट अभी हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। हमने अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया 3 रेज टू पावर n into 3 रेज टू पावर 2n+1 अपॉन 3 रेज टू पावर 2n into 3 रेज टू पावर n-1। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं आप भी बोल बोल के करोगे तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, लिपसिंक करो। माउथ आपकी क्लासरूम में आप ऊंचा नहीं बोल सकते, लेकिन लिपसिंक करो। स्लोली स्लोली स्पीक आउट इन माइंड, फिर आपकी गलती नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे जो बी सेक्शन में फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं 3, राइट साइड पे फर्स्ट बॉय, यस टेल मी बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या करना चाहिए मुझे, रूल बताओ। रेड टी शर्ट बॉय, यस हाँ जी आगे आओ माइक के पास, उसको माइक दे दो बेटा अगर इधर शिफ्ट हो सकता है तो। हाँ जी बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप, पावर प्लस मेरी प्लस करेंगे, बताते जाओ मेरे को जल्दी से क्या क्या। हाँ जी बोलो। मैं पावर प्लस बताते जाओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे, मेरे को लिखवाओ, व्हाट शुड आई राइट हियर। मैं पावर प्लस 3 की पावर क्या आनी चाहिए? मैं 2 एंड टू कैसे टू टू एंड कैसे 2n कैसे प्लस कैसे करोगे? ऊपर वाली पावर्स को प्लस करना है आपने। ओके जाके बैठो, आई कॉल्ड यू क्योंकि आप सीरियसली नहीं कर रहे, मैं देख रही थी। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। ओके अभी काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। इट इज n+2n+1, ऊपर हमने दोनों पावर्स को ऐड कर दिया और नीचे भी हम दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, 3 रेज टू पावर 2n+n-1। नीचे भी हमने दोनों पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन था, ऊपर भी हमने पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन था। हमारा रूल कौन सा लगा है इसमें, a रेज टू पावर m into a रेज टू पावर n = a रेज टू पावर m + n। सबको पता है कि जब प्रोडक्ट होता है बेस सेम होता है तो हम पावर्स को प्लस करते हैं, ठीक है? ऊपर सॉल्व करो न्यूमिरेटर को, इट इज कमिंग आउट टू बी 3 रेज टू पावर 3n+1, नीचे हमारे पास 3 रेज टू पावर 3n-1, नीचे भी हमारे पास पावर आ रही है 3 की और ऊपर भी 3 की पावर आ रही है, दोबारा से बेस सेम है। अब हम दोनों पावर्स को क्या करेंगे, माइनस प्लीज डू इट, 3n+1 ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर। आपकी 8th क्लास है, यू नो सिंपल इक्वेशन का चैप्टर भी आपने किया था। हाँ 7th क्लास में, यू नो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 3 रेज टू पावर
3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। आप ब्रैकेट खोल रहे हो अभी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाहर माइनस थी तो अंदर वाले सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस 3n था वो माइनस बन गया, जो माइनस 1 था वो प्लस बन गया। ठीक है, दिस कैन बी कैंसल्ड, अपोजिट साइन है, तो इट विल बी 3 raised to power 2 इज इक्वल टू 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ध्यान से करने हैं, मुश्किल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बच्चा बोले ना कि एक्सपोनेंशियल का चैप्टर मुश्किल है, इट इज योर ओन फॉल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 रूल है पूरे चैप्टर में, वही रूल आप बार बार लगा रहे हो और सेम रूल आप 7th में भी लगा चुके हो। सिर्फ अभी 8th में आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, आपके एक एक क्वेश्चन में तीन तीन रूल इकट्ठे लग रहे हैं, इतनी सी बात है बस। इसलिए हर एक स्टेप आपने ध्यान से करना है। ओके, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसमें एबीसी पावर्स यूज हो रही हैं, बेसिस यूज हो रही हैं, इसको भी ध्यान से करना बेटा। स्टार्ट करो इसको करना। -a raised to power -3 इंटू b raised to power 10 इंटू c raised to power 8। थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखो इसको ताकि क्लियरली पता चले। b, अब यहाँ पे b की पावर 1 लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखा है ना b c raised to power 8, दिखने में ऐसा लग रहा है कि b और c इकट्ठे ही हैं, तो b के पावर 1 लगा लो, क्योंकि हमने पावर को तो यूज करना ही है। ठीक है, बिना पावर के आपका फिर वो प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटू c raised to power 6 raised to power 4, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एबीसी को आप नंबर की तरह ट्रीट करो और सारा का सारा क्वेश्चन रूल लगा के करो। चलो स्टार्ट डूइंग, अपने आप स्टार्ट करो। मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में करो, जिसको कोई डाउट होगा बोर्ड पे देख सकते हैं। जो रूल आपको लगता है अपनी मर्जी से लगाओ, जो जो आपको लगता है कि इसमें क्या अप्लाई हो सकता है। ध्यान से देखो, बेस आपका सेम होना चाहिए तभी आपका रूल अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है, आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड। आप भी अपनी नोटबुक में कॉन्सेंट्रेशन से करो और लिपसी करके करो, चेक करो कि आपका क्वेश्चन मेरे से मैच करता है कि नहीं। अब आपकी लिपसिंग होनी चाहिए, आप माइंड में बोलते जाओगे और मैच करते जाओगे। ठीक है, ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप रूल अप्लाई कर रहे हो। ध्यान से अपने आप करो, हर एक स्टेप अपने आप करो और बोर्ड से मैच करो। कोई डाउट है तो खड़े होके पूछो। वेरी गुड, एक दूसरे की नोटबुक में देखने की टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास, इतना इजी क्वेश्चन है ये।
माइनस ए रेज टू पावर -3, बी रेज टू पावर 51, सी रेज टू पावर -8। ठीक है, अभी हमारे पास एक स्टेप और बचा है इसमें, क्योंकि हमने नेगेटिव पावर को खत्म करना है। आपको जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव पावर में होना चाहिए, प्लीज ध्यान रखना। ओके, माइनस माइनस तो आने ही आना है। बी रेज टू पावर 51 पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा, नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है, इंटू सी रेज टू पावर 8। क्योंकि ये वेरिएबल की पावर है, हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे ही हमें पावर फॉर्म में ही छोड़ना पड़ेगा इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। हर एक स्टेप पे हमारा एक रूल फॉलो हुआ था और फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव पावर में होना चाहिए। बाहर नेगेटिव है तो इट्स ओके, बाहर में तो माइनस रहेगा ही, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पावर शुड बी पॉजिटिव। बी केयरफुल, सिंसियरली हाथ खड़े करो जिनका आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर से। जो बच्चे कर रहे हैं अभी करते रहो, वेरी गुड। ओके, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं करो और मैच करो इसको, धीरे धीरे करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी एडिशन भी है, थोड़े से बड़े नंबर हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। रफ कॉलम में इसको करो, आई होप अभी सबने कर लिया होगा, है ना। हाथ खड़े करो बाकी बच्चे जिन्होंने कर लिया, हु हैव रीच टिल हियर। चल वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा, फिर आपका टाइम भी हो रहा है। 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, छोटा सा क्वेश्चन है। -5 रेज टू पावर 4 इंटू एन डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। स्टार्टेड, जो जो समझ आ रही है उसको अपना रूल तो अप्लाई करना ही करना है हमने, दैट यू नो। लास्ट क्वेश्चन है बस, योर टाइम इज ऑल्सो अप। यहां पे जो 5 लिखा है उसकी पावर 1 लिख लो अपने आप, ताकि हम पावर को मैच कर पाए बाद में। ठीक है, बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है, -5 रेज टू पावर 4 इंटू एन रेज टू पावर 1 -2, इसकी भी पावर 1 लिख लो। पावर्स को हमने डील करना है इस क्वेश्चन में, तो जहां पे आपको पावर ना दिखे उसको 1 अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता है मैंने -2 क्यों किया है, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके गए हैं, बेस सेम था, तो ये आपके पास बन गया -5 रेज टू पावर 4 इंटू एन रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1। इट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4। मैंने आपको बताया था बेटा, जो नेगेटिव साइन की पावर है उसको पहले ही बाहर निकाल लो, -1 रेज टू पावर 4 को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, रेज टू पावर 4, अब ये 5 बन गया, अपॉन एन इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1। दिस इज इक्वल टू, जब भी -1 में इवन पावर होती है तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 7th क्लास में आपको सिखाया होगा पॉजिटिव, इट विल बी +1, तो ये हमारा प्लस बन चुका है अभी, ये 5 रेज टू पावर 4 अपॉन एन इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, क्या 25 ओवर n इज इक्वल टू 5 ओवर 1 होगा? 125 ओवर n इज इक्वल टू 5 ओवर 125। हम बेटा इसको 125 अभी ब्रेक नहीं करेंगे, प्लीज रिमेम्बर। ठीक है, अभी ये आपकी जो 5 की पावर 4 है उसको ऐसे ही रहने दो। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यू रिमेम्बर, ये जैसे आप ट्रांसपोज करते हो, हम इसको ऐसे करेंगे, एन को हम वहां पे ले जाते हैं, क्रॉस फाइव रेज टू मल्टीप्लाई करके, पावर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने,
जैसे आप लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हो या सिंपल इक्वेशन में आपने 7th में किया था, तो ये 5 raised to power 3 इज इक्वल टू एन आ गया, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा अभी, 125, 125 एन इज इक्वल टू 125। ठीक है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी स्मार्ट, यू शुड नो कि हमने सेम बेस वालों को इकट्ठा लेके आना है अप एंड डाउन। ठीक है बेटा, प्लीज रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे। सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय मैम, थैंक बाय यू। बेटा।